हे गाइस, तो यार जेई के एग्जाम एक्सटेंड कर दिए गए हैं। बहुत सारे बच्चे खुश हैं, मजे कर रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी है। ठीक है, बहुत सारी इंक्वायरी आ रही थी मेरे पास। और फर्स्ट डे तो बच्चे आज जलंधर, कल दिल्ली पहुंचेंगे, हाई पार्टी करेंगे, मजे करेंगे। स्पेशल पंजाब के जो बच्चे हैं, कोटा वाले बच्चों का मुझे सबसे अच्छा यही लगता है कि वो बेचारे लगे रहते हैं, उनको तो पता भी नहीं होता कि गर्लफ्रेंड क्या होती है। ठीक है, बिकॉज़ आई एम लिविंग एट लाइफ एट कोटा। ठीक है, जब मैं कॉलेज में गया था तो मुझे भी नहीं पता था कि गर्लफ्रेंड क्या होती है। मुझे ऐसा लगता था कि बोथ गर्ल्स आर फ्रेंड, दिस इज़ गर्ल गर्लफ्रेंड। ठीक है, तो यार ऐसा सीन होता है कोटा में, तो रियलिटी बता रहा हूँ। क्योंकि जो एक्सेप्शनल केस होते हैं आउट ऑफ इंडिया से जो बच्चे आते हैं, उनको कुछ पता होता है बचपन से ही, लेकिन कोटा में जो बच्चे रहते हैं, राजस्थान से जो रहते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता इसके बारे में। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आज जेई जो है एग्ज़ाम का क्या सीन रहा है, आप कैसे प्रिपेयर करें और अभी आपका क्या टारगेट रहना चाहिए। अगर आपका ड्रीम आईआईटी, आईआईटी बॉम्बे की सीएस ब्रांच है या फिर आईआईटी खड़गपुर की सीएस ब्रांच है, तो फिर और एरोस्पेस वगैरह का क्या सारा सीन है, कौन सी ब्रांच आपके लिए बेस्ट है, क्या आपके लिए बेस्ट हो सकता। यार अभी अगर अपन बात करें तो आज 8 तारीख हो चुकी है, 8 अप्रैल हो चुका है, राइट? तो आपके पास ऑलमोस्ट मान सकते हो पूरा अप्रैल महीना पड़ा है, मई पड़ा है, जून पड़ा है। ठीक है, जून पड़ा है ना, पूरा नहीं है, थोड़ा है, 2.5 महीना आपके पास है। फोड़ दोगे ना, नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो, सभी लोग फोड़ देंगे जेई मेन को। अब यार आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो है आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन, बोर्ड के एग्जामिनेशन। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना गाइस तुमने। यार बोर्ड के एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट जेई वाले बच्चे इसके ऊपर बहुत कम फोकस करते हैं, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जामिनेशन। क्योंकि यार जेई के अंदर सिर्फ 1% बच्चे का सिलेक्शन होने वाला है, सिर्फ 1% बच्चों का, याद रहे। ठीक है, 8 लाख अप्लीकेशन फॉर्म फिर अभी तक भरे जा चुके हैं, 8 लाख अप्लीकेशन फॉर्म। फिर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे जेई के, फिर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे ही होंगे, किसी भी हाल में होंगे। अभी भी बहुत सारे बच्चों की क्वारी आ रही है कि भैया हमने रजिस्टर किया नहीं, अभी कर सकते हैं क्या? यार अभी आपके पास 2.5 महीने का टाइम पड़ा है, अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे, किसी भी हाल में होंगे, आप घबराएं नहीं बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि जस्ट 2020 के अंदर भी जो है ड्यू टू कोविड-19 बीच में 2-3 दिन के लिए अप्लीकेशन फॉर्म ओपन किया गया था, आफ्टर 2 महीने के बाद, करेक्शन वगैरह सब कुछ खत्म होने के बाद। तो यार अभी जो आपका जो कंपटीशन है, एटलीस्ट 2 से 3 लाख बच्चों से ज़्यादा होने वाला है। यानी कि अभी जो 8 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं, कम से कम 2 से 2.5 लाख फॉर्म और भर दिए जाएंगे अगर अभी रजिस्ट्रेशन ओपन होता है तो। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की प्रिपरेशन नहीं थी, तो वो नहीं चाहते थे कि 1000 उनके 800-900 रुपये फ्री में लगे, तो उन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा। जनरली अगर मैं आपकी बताऊँ तो आपका रियल में जो कंपटीशन होने वाला है वो सिर्फ 1 लाख बच्चों के साथ होता है, सिर्फ 1 लाख बच्चों से कंपटीशन होता है आपका। ठीक है, और जो आप देखते हो कि 10 लाख 12 लाख ने फॉर्म फिल किया है, उसके अंदर से 50-60 हज़ार तो आते ही नहीं है। आप 1 लाख मान लो, 1 लाख बच्चे तो आते ही नहीं है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, अगर 11 लाख ने फॉर्म भरा है तो। ठीक है, अब 11 लाख में से फॉर्म भरा है, उसमें से 1 लाख बच्चे एग्जाम नहीं देंगे, पढ़ने वाले जो बच्चे होंगे वो सिर्फ 1 लाख होंगे। ठीक है, मस्ती करने वाले बच्चे जो होंगे उनमें से 6 लाख होंगे, थोड़ी थोड़ी जो प्रिपरेशन करेंगे वो बच्चे होंगे 3 लाख बच्चे, और जो उसमें से थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन करेंगे वो होंगे 2 लाख बच्चे। अगर आप बिल्कुल एकदम पढ़ाई कर रहे हो, खूब मज़े से पढ़ाई कर रहे हो, जचा के पढ़ाई कर रहे हो, देन आपका कंपटीशन सिर्फ 1 लाख बच्चों के साथ है और आप जचा के पढ़ सकते हो। बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप। यार 10 लाख बच्चों के साथ आप कंपटीशन नहीं है, 10 लाख बच्चे सिर्फ फॉर्म फिल कर रहे हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखना। कंपटीशन सिर्फ 1 लाख बच्चों के साथ है, जो तुमको बोल रहा है ना यूट्यूब पे आके कि 10 लाख बच्चे है, ये जेई का एग्जाम है, ये ऐसे नहीं है, ये वैसे नहीं है, ये जेई है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, हमने भी जेई फाइट किया है। ठीक है, 700 रैंक था मेरा जेई एडवांस के अंदर। रियलिटी अगर मैं बताऊँ, राजस्थान कोटा से ही हूँ मैं, ठीक है, उसी एरिया से। रियलिटी अगर मैं आपको बताऊँ तो आपका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ 1 लाख बच्चों के साथ है, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख बच्चों के साथ, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो। समझ रहे हैं आप, सिर्फ अगर आप मेहनत कर रहे हो तो सिर्फ 1 लाख बच्चों के साथ आपका कंपटीशन है। देन यू कैन ट्राई नाउ योर बेटर एंड जस्ट। अगर अपन बात करें आपको अभी किस चीज पे फोकस करना चाहिए, देन दिस इज योर 12th क्लास। वाई 12th क्लास? क्योंकि यार ऑलमोस्ट बच्चे जो है टॉप टेक कंपनीज के अंदर नहीं जाते। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बचपन से ड्रीम
IPS IAS बनना है, UPSC क्रैक करनी है। अभी तक मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं, अभी से उन्होंने लगा रखा है ड्रीम IIT खड़गपुर, व्हाट्सएप पे DP उसकी लगा रखी है, ड्रीम इसरो, इसरो के लोगो ही लगा देते हैं पहले से ही, ठीक है, पिछले साल से ही लगा रखा है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ड्रीम इसरो, ड्रीम IIT, ड्रीम IIST, ड्रीम IIT बॉम्बे, CSE ब्रांच। बहुत सारे बच्चों का UPSC सपना होता है। अब यार जैसे ही आप कंपटीशन के लिए जाते हो, इंटरव्यू होता है, देन आपका जो 12th का मार्क्स देखा जाता है, 12th के मार्क्स में बच्चे कैसा पढ़ता था, 11th का नहीं देखते, 10th का देखते हैं। आप वहाँ पे JEE का स्कोर कार्ड नहीं लगाते हो, लेकिन हाँ आपको 12th का लगाना कंपलसरी है, 10th का लगाना कंपलसरी है। अब जो अगर आप उसके अंदर बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते हो, देन वो चीज़ जो उभर के निकल के आती है कि बच्चा 12th में कैसा पढ़ता था। अगर आप किसी इंटरव्यू में बैठते हो तो आप अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जीसॉक, अडोबी जो भी है उसके इंटरव्यू में अगर आप बैठेंगे तो जी हाँ बिल्कुल ये मैटर करता है आपके 12th में आप कैसे पढ़ते थे, 10th में आप कैसे पढ़ते थे, बचपन से आपका क्या बैकग्राउंड रहा है, आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। जो एक्सेप्शनल केस होते हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा जेक मा एंड अदर, दिस इज नॉट यू, ठीक है, आप ये नहीं है, समझ रहे हैं आप। तो यार 12th के ऊपर अभी आपको फोकस करना है, 2.5 महीने आपके पास पड़े हैं JEE के लिए, अभी आधा महीना आपके पास बचा है, क्योंकि 1 महीने में ऑलमोस्ट जो है एग्जाम्स ख़त्म हो जाएंगे। 12 मई तक, आई थिंक 12 या 13 मई तक आपके लास्ट एग्जामिनेशन है, जो कि 12th बोर्ड के 12-13 मई तक सारे के सारे इंडिया में एग्जाम्स ख़त्म हो जाएंगे। देन आपका KUPY का एग्जाम के पोस्टपोन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। सो मैं तो आपको यही रिकमेंडेड करूँगा कि आप जस्ट JEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आप अभी थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें 12th एग्जाम्स पे, क्योंकि जो JEE मेन था उसके लिए जो है 12th पे बहुत कम फोकस कर रहे थे बच्चे, 2 से 2.5 घंटे पढ़ रहे थे, JEE मेन को 10-12 घंटे पढ़ रहे थे। लेकिन अभी आप थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हो शेड्यूल, दोनों को बराबर बराबर पढ़ सकते हो, यानी कि आधा JEE आधा 12th, क्योंकि यार JEE में आप न्यूमेरिकल प्रिपरेशन करते हो, लेकिन वहाँ पे 12th में जो डेरिवेशन एंड अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको भी प्रिपेयर करें। अगर आप 12th को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, देन आप JEE में भी कंसेप्ट सेम टू सेम कंसेप्ट जो लागू होता है, स्पेशल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। इंग्लिश सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो यार इंग्लिश में आप मिनिमम 60% मार्क्स रिक्वायर्ड है, मिनिमम 60% लेके ही आना 12th के अंदर, स्पेशली जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से होते हैं, पंजाब गवर्नमेंट एंड अदर बिहार वगैरह से, उनका तो लग चुका है, ठीक है। 12th के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स लेके आना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताना कि हम फोड़ देंगे, कम ऑन क्या कर देंगे, फोड़ देंगे गाइस, यू कैन डू इट, कम ऑन, छोटों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। ड्रीम IIT खड़गपुर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किसका है, IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किसका है, फोड़ दो, ठीक है, जस्ट फोड़ दो, तुम्हारा टाइम शुरू।